फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग में से कितने लोग एरोप्लेन में बैठे हैं, कितने लोग नहीं बैठे हैं? लेकिन जो बैठे हैं उनको क्या ये पता है कि वो जो एरोप्लेन का जो टायर में जो हवा होता है वो किसका होता है, कौन सा उसमें हवा किस चीज़ का डलाता है? नहीं ना। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो, एंड कमेंट ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हवा में 78% नाइट्रोजन होता है जबकि 21% ऑक्सीजन होता है एंड 1% जो बचा वो अदर गैसेस होता है जिसमें आपका हाइड्रोजन जो भी होता है वो सब उसमें आ जाता है। जबकि ऑक्सीजन से टायर खराब हो जाता है। ऑक्सीजन से अक्सर टायर की इलास्टिसिटी और उसकी जो मजबूती है वो खो जाती है। आप ही सोचो, अगर एरोप्लेन लैंड कर रहा है, अगर उसका एक टायर फट जाए लैंड करने समय, तो वो क्यों होगा, क्या होगा उसके बाद? तो इसलिए उसमें ऑक्सीजन का तो यूज़ करते नहीं है। और जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा में बहुत ही फ्रेंडली होता है रबड़ के, और पूरी तरीके से शुद्ध तो ये नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है वो टायर को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन जो है वो टायर फ्रेंडली होता है, और जो इलास्टिसिटी जो उसका बना रहता है एक टायर का वो उसका बने रहता है। और एक और चीज़, जितना जल्दी ऑक्सीजन टायर में से निकल जाता है उतना ही लेट नाइट्रोजन टायर से निकलता है। तो इसलिए एरोप्लेन में जो हवा भर रहती है उसके अंदर नाइट्रोजन का गैस होता है।